आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, मैं प्रोफेसर अथैया हूँ और मैंने यहाँ अथैया रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एम्ब्रियो ट्रांसफर का खोल रखा है देहरादून में, और मैं डॉक्टरेट हूँ और अवार्डेड भी हूँ और 50 साल तक पढ़ाता रहा। खैर, मैंने 5 साल तक गाँव में भी सेवा दी है। तो मैं आपको इस माध्यम से डेयरी की सबसे बड़ी समस्या मैस्टाइटिस के बारे में बता रहा हूँ। मैस्टाइटिस से लोग बड़े परेशान रहते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी गाय खराब हो जाती है। जब गाय ब्याती है तो ये तो बड़ी चिंता करते हैं कि साहब जेल नहीं गिरा रहे, पर ये नहीं चिंता करते कि उसे मैस्टाइटिस हो रही। देखिए, मैस्टाइटिस का बड़ा सीधा सच्चा सा हिसाब है, हो जाएगी तो आपको काफ़ी पैसे खर्च होंगे और आपका जो है काफ़ी दूध का नुकसान हो जाएगा उस लैक्टेशन में। इसलिए ये आता है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट है। इसमें ये प्याली होती है और इस प्याली के संग संग ये प्यालियों में एक सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, जिसे ये देखिए, ये प्यालियाँ हैं, 4 प्यालियाँ, और ये जो है ये सॉल्यूशन है इसका। तो ये सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं तो इसमें जो एंटीबॉडी होती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उनसे ये रिएक्ट करके फिर जो है जेल बना। तो इससे आपको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि अब इसमें मैस्टाइटिस होने वाली है। तो जैसे ही आपको ये लगे कि इसमें, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर वाले दो जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा कोगुलेशन हो चुका है, उसमें जेल सा बन जाता है और जो नीचे वाले हैं उनमें नहीं है। तो इसके लिए जैसे ही ये शुरू हो जाए, यह हर दूसरे चौथे दिन करते रहिए। गाय तो आप पाल लेते हैं, पर अगर आपकी आधी गाय मैस्टाइटिक हो गई तो आपको बड़ा नुकसान होगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें जेल फॉर्मेशन हो रहा है या इसमें एंटीबॉडी आ रही है, तो आप तुरंत उसकी मिनरल मिक्सचर जो अच्छा वाला है, मैं तो MSG का यूज़ करता हूँ, उसकी मात्रा दुगनी कर दीजिए। अगर आप उसे 100 ग्राम दे रहे हैं 10 किलो में, तो आप 200 ग्राम कर दिए 2-4 दिन के लिए, और बहने के बाद भी 200 ग्राम कर दिए। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात ये है कि ये एक चीज़ है लीवामिसॉल। लीवामिसॉल देखिए, ये लीवामिसॉल है। इसका इंजेक्शन वैसे ये कीड़े मारने के लिए यूज़ होता है, राउंड वर्म्स के लिए। लीवामिसॉल इसकी डोज जो है वो 1 ml 30 kg पे है। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए 0.5 ml 30 kg, 0.5 ml 30 kg आपको लगाना। 2.5 ml लगा दिए 100 kg पे, 200 kg पे 5 ml लगा दिए। सब कट लगाइए, हर हफ्ते लगाते जाइए। और इसके साथ साथ अगर उसमें दर्द है या गाय बैठ नहीं सकती है, तो ये फिनाडाइन है, फिनाडाइन, इसको फिनाडाइन को आप लगा दिए 10 ml, तो आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। फिर भी ऐसा है कि आप हफ्ते हफ्ते उसको प्रगमा, उसमें क्लोप्रोसिनॉल होता है, वेटमेट, प्रगमा, स्ट्यूमरेट, ये सब बाज़ार में मिलते हैं 200 रुपये, तो हफ्ते हफ्ते आप लगाते रहेंगे तो आप मैस्टाइटिस से छुट्टी पा जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप 3-3 महीने पर ये लगा देंगे, इसकी बैरनरिल, ये डाइमिनाजीन, डाइमिनाजीन एसीटेट है, RTU भी कहते हैं इसे, तो ये डाइमिनाजीन एसीटेट आप लगा देंगे 6-6 महीने पे, 5 ml पर 100 kg के हिसाब से डीप इंटरमस्कुलर लगता है। वो जो लीवामिसॉल बताया था वो सब कट लगता है, तो आप इससे छुटकारा पा जाएंगे। बहुत सस्ता इलाज है। देखिए, आप एक बार मैस्टाइटिस हो गई, आप 1000 रुपये खर्च करेंगे, फिर भी आपका थन वो जो है मारा जाएगा। मेरे पास एक 50 लीटर की गाय है, उसके 2 थन खराब हो गए, उसने बेचारे ने मुझको ऐसे ही दे दिए मुफ्त में। तो ये बड़ी बहुत बिकट समस्या है डेयरी की, साहब मैस्टाइटिस हो गई। तो होने से पहले ही उसे बताइए, ये कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, इसका ये जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें एक बॉटल होती है, ये इसमें CMT कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस का सॉल्यूशन होता है, एक पैडल होती है, ये 4 प्याली होती हैं उसमें। तो ये प्याली जो है वो आप इन प्यालियों में दूध को डाल दिए बराबर बराबर मात्रा में, और इसको घुमाइए। घुमाने के बाद अगर इसमें जेल बन जाता है तो समझ लीजिए कि मैस्टाइटिस हो गई। और इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है, ये आप करके देखिए, आपको अति लाभ होगा। ये दुनिया भर में किया जाता है, पर ये जो है ब्याई हुई गाय में काम नहीं करता है, वैसे और सब गाय में ये काम करता है। तो इसमें एंटीबॉडी जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं उसका रिएक्शन शुरू हो जाता है इसके साथ, और ये फिर जो है जेल बना देता है। इसका रंग चेंज हो जाता है, बैंगनी हो जाता है इसका रंग। तो इसको आप देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है, मैंने आपको बता दिया। ये D-Level इसको बेचता है, आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं, गुजरात की भी कुछ कंपनियां बेचती हैं, और हमारे यहाँ से भी ये मिल जाता है। आप इसके लिए 8 9 7 9 9 0 6 14 जो नंबर नीचे दिया गया उस पर आप वो करिए तो आपको ये मिल जाएगा।
ये करीब 300-400 रुपए में आपके 50-60 टेस्ट हो जाएंगे। अपना करिए, अपने पड़ोसियों का करिए, बताइए। देखिए मैस्टाइटिस भैंस में तो कम होती है, देसी गाय में कम होती है, पर अब देसी गाय में भी होने लगी है। बस अधिक दूध देने वाले जानवर जितने भी हैं, जर्सी होल्स्टीन, इसमें कभी हो जाती है। इसमें डॉक्टरी कोई बात नहीं है, मैनेजमेंट की बात है। ये आप अपने ग्वाले को बता देंगे तो वो स्वतः ही करता रहेगा, आपका दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और आपको किसी नौकरी की ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। दुग्ध उत्पादन में बहुत संभावनाएं, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 50 लीटर वाली जीनोमिक सीमेन अवेलेबल, जीनोमिक जर्सी उसका गिरी का भी अवेलेबल है, जर्सी का भी अवेलेबल है और होल्स्टीन का भी अवेलेबल है। ये जानवर बहुत दूध देते हैं और बना बनाया दाना भी अवेलेबल है ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों के लिए। तो सब मिला के आपके गोबर उठाने की भी मशीन है, दूध निकालने की भी मशीन है। तो इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं, जो लोग उल्टी सीधी डेयरी रखते हैं उन्हें फ़ायदा नहीं होते हैं, वो जॉब की तलाश में रहते हैं, और जो डेयरी रखते हैं और उनकी डेयरी अच्छी चलती है वो 3-4 आदमियों को जॉब देते हैं। मेरे पास तो डेयरी है, मैंने 5 आदमियों को जॉब दे रखा है और ट्रेनिंग भी देता हूँ उसमें। तो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर ट्रेनिंग, वो रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है देहरादून में, आप आइए कभी उसके लिए। जब तक आप उसके ब्रीडिंग फीडिंग और न्यूट्रिशन को नहीं जानते तब तक काम नहीं कर सकते। आप इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं, हमारे डायरेक्टर हैं राजा जी, जिनका टेलीफोन नंबर 797984833 है। आप उन्हें संपर्क करिए, आपको उत्तर मिलेगा। और आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर 8979748666। धन्यवाद आपने सुना।